भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश की विशेष एक बैठक जिहड़ी है चुनावों तो बाद जिन्हां 73 साथियों ने कमल के निशान से चुनाव लड़िया है उन्हां दी समीक्षा बैठक जिहड़ी है सवेर तो चालू हुई है जिहदे अंदर साडे चोन प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी पार्टी दे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी पार्टी दे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत जी पार्टी दे सचिव डॉक्टर नरेंद्र जी ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन चलन वाली पार्टी है और इस करके पार्टी इन्हां चुनावों के अंदर जिन्हां कार्यकर्ता ने कमल के निशान से चुनाव लड़िया है उन्होंने इस चुनाव के अनुभव की रहे किस किस प्रकार उन्होंने चुनाव लड़िया और पंजाबियों ने पंजाब के वोटर ने दे हुंगारा जिहड़ा है और विशेष कोई चुनाव के अंदर उन्होंने अपना अनुभव है उसकी जानकारी जिहड़ी है वह पार्टी ने उन्हां कोलों लैना शुरू की और हुण तक जिहड़ी लगभग अजे तो घट अजे कैंडिडेट बोल पाए ने ये साड़ी पार्टी च है कि हर एक नूं एक स्वतंत्रता हैगी है अपना अनुभव भी दसन दी अपने विचार दसन दी और इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार उन्हूं हुंगारा मिलिया है उसकी पूर्ण समीक्षा वो की जा रही है और जिहड़ा मैं ये कह सकदा कि जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का फीडबैक हुण तक चुनाव लड़े साथियों ने दिता है वह बड़ा उत्साहवर्धक है और भारतीय जनता पार्टी समुचे पंजाबियों की पंजाब के लोगों की पंजाब के वोटर की धन्नवादी है कि बहुत सारे लोग प्रश्न खड़ा करते कि बीजेपी चुनाव किदां लड़ेगी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री जी का पंजाब च तीन बार आना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार पंजाब के अंदर आना और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार इस चुनाव के अंदर रुचि दिखाई है वो एक बड़ा सीधा संदेश सी कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब पंजाब पंजाबीयत पंजाब की एका और पंजाब का विकास और जिहड़ा बीजेपी ने नारा दिता सी नवा पंजाब बनाने का उहदा जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियां कीता और उहदे बाद जो पंजाब च परिवर्तन एक आया पार्टी नूं लैके जिहड़ी उत्सुकता वधी वह साडे लई एक बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक जिहड़े है उहदे आ रहे ने और यही जानकारी आप सब दे नाल सांझा करन लई अज बुलाया और अज तीन बैठकां पार्टी कर रही है ये एक बैठक हो गई है ये दोपहर भोजन तक चलेगी इस तो बाद पार्टी की जिहड़ी चुनाव संचालन समिति है जिन्होंने सारे चुनावी प्रबंधा नूं कीता उहदे अलग अलग सैक्टर रहिंदे ने उन्हां दा जिक्र करना ते लगभग 36 डिपार्टमेंट जिहड़े है ये चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे सी उस तो बाद उन्हां दा फीडबैक पार्टी ने लैना और लास्ट बैठक के अंदर पार्टी के जिहड़े जिला अध्यक्ष ने और पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष और चुनाव समिति जिहड़ी पार्टी की है और 13 जिहड़े लोक सभा प्रभारी ने उन्हां दी बैठक लगभग 2 घंटे 3 बजे तो लैके 5 बजे तक वो चलन वाली है ये सारे जिहड़े क्रम ने ये है कि एक चुनाव खत्म दूसरा चुनाव चालू ये अंदर संगठनात्मक समीक्षा भी होएगी राजनीतिक समीक्षा भी होएगी और पार्टी नूं एक नवा रस्ता भी मिलेगा क्योंकि 23 सीटां तो बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने लिए चुनाव लड़िया है इस करके अज दी ये बैठकां बड़ियां महत्वपूर्ण है। क्या फीडबैक क्या ले रहे हैं सुनील जी? फीडबैक ले है कि कुछ जो उम्मीदवार आए हैं कि उन्होंने अपना फीडबैक साझा किया। बड़ा संतोषजनक है उत्साहवर्धक है और ताइए मैं एक गल कही है ना कि पंजाब के लोगों ने पंजाबियों ने पंजाब के वोटर ने जिस खुले मन के नाल भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े प्रत्याशी से जिहड़े कैंडीडेट से उन्हों का समर्थन किया वो साडा उत्साह वधाउण वाला और
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣ ਗਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ऐसा है कि पहली बात तो जाएगी रणनीति तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा रणनीति ऐसा है कि अभी तो केवल क्योंकि 4-5 दिन दिए थे सबको कि जरा अपने चुनावी कार्यक्रमों से इतनी थकान के बाद जरा थोड़ा विश्रांति कर लें अभी तो उनकी विधानसभा को केंद्र बिंदु मानकर कहाँ कहाँ उनको क्या दिक्कत आई कहाँ उनको उत्साहवर्धक था अपनी जो हमारी पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचे पे मेन ध्यान रहता है कितने बूथ थे कितने पे हम लोग हमारे पोलिंग एजेंट लगे ये सारा विस्तार से उस पे चर्चा हो रही है।